पेपर में क्या है कि थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आ रहा है, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो कि लगते हैं सही है कि अपना सही है, लेकिन जब पेपर में आते हैं तो भाई ये गलत हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं यहाँ पे। 13 क्वेश्चन एक एग्जाम्पल है उसका, 13 एग्जाम्पल है उसका, 20 वाला, 24 वाला, 26, 28, 42, 48, 54। 54 इसका लगा है इंपॉर्टेंट है, और 56 तो एग्जामिनर का फेवरेट है। मतलब ऐसे क्वेश्चन इस पेपर में है जो कि लगते हैं कि जो कि क्वेश्चन खपाने वाले, मतलब पहले तो क्या है कि आंसर किसी को पता नहीं होता, लेकिन जब मैं आंसर मिल गया आंसर की, अब फिर क्या होता है उसको फिर जुगाड़ लगाते हैं कि हाँ भाई इसके वाला इसका एक्सप्लेनेशन ये होगा ये होगा। मतलब ऐसे जो कि नीट में आते हैं एग्जाम में, जैसे कॉर्निया वाला आया था 2019 में, कॉर्निया वाला का एक आया था, कॉर्निया वाला और एक आया था उसके पास जी नॉट फेस वाला, वैसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे भी है बहुत सारे। तो यहाँ पे सी अपने पास लेंदी क्वेश्चन भी है स्टेटमेंट वाले कुछ, तो सी 22, 23, 29, 32, 40, 41, 52, 58, 61 और 43, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। और 64, 72, 85, 86, 88, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, मतलब लेंदी लेंदी वाले स्टेटमेंट जो होते हैं ना एनसीईआरटी आते हैं वो वाले क्वेश्चन होगा ये, है ना। तो यहाँ पे वही अच्छा क्वेश्चन, अच्छा पेपर है यार कि एग्जाम से पहले, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे हैं कि जो याद हो तो सही हो जाएगा चलेगा, और यहाँ पे दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन ऐसे 5-10 क्वेश्चन, ऐसे 5-6 ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो कि याद होना चाहिए, याद होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो भाई अच्छा पेपर है, तो यहाँ पे 315+ अच्छा स्कोर होगा, 315+ अच्छा स्कोर होगा। फिनोटिपिकली टर्नर सिंड्रोम ह्यूमन आर, तो यहाँ पे एनसीईआरटी डायग्राम बनाया टर्नर सिंड्रोम का। टर्नर सिंड्रोम की जो ह्यूमन है वो फीमेल होती है ना। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट चारा, चारा के लिए इनमें से कौन सा ही सही स्टेटमेंट है। चारा ये दिया एनसीईआरटी डायग्राम, तो यहाँ पे जो ओगोनियम है जो फीमेल ऑर्गन है वो क्या है ऊपर है, दैट इज ओगोनियम इज प्लेस्ड अपर एंड एंथ्रिडियम इज प्लेस्ड एट लोअर। तो 11th में क्या होता है मेल ऊपर होता है ना, और 12th में क्या होती है फीमेल ऊपर होती है। तो 11th में मेल कौन से पार्ट में एक बार ऊपर होगा, मैंने बोला स्पेगनम में जो ब्रांचेस एनसीईआरटी ने बनाया उसमें मेल ऊपर है और 12th में फीमेल ऊपर है। द फर्टिलाइजेशन इन विच मेल गैमेट आर कैरिड थ्रू पोलन ट्यूब इज नोन एज साइफिनोगैमस, साइफिनोगैमी, ओके, अक्रॉस अक्रॉस दैट इज कैपिटल ए कैपिटल दे दिया, बिल्कुल कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस विथ स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है ओके। तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास, ये जो क्रॉस होगा कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो इन दोनों का क्रॉस है तो कैपिटल ए स्मॉल ए ही मिलेगा, तो इसका जो रेशियो आएगा वो 1/1 ही होगा ए का, और इन दोनों क्रॉस से हमको कैपिटल बी मिल सकता है, कैपिटल बी स्मॉल बी मिल सकता है, स्मॉल बी मिल सकता है, जिसका रेशियो 1:2, 2:1 आ जाएगा जीनोटाइपिक रेशियो। तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास कैपिटल ए, इसको हमने कैसे लिखेंगे, इसको यहाँ पे जो कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी कैपिटल इसको कैसे लिखेंगे, 1:1/4:2, ये हो जाएगा 1:2/4 क्योंकि हेट्रोजाइगस से 2/4 ओके इस 2, ये हो जाएगा अपने पास 1:1 यहाँ पर लिखते हैं ये 1:1 रुक जाओ यहाँ पे 1:1 पहले के लिए 1/4:2, दूसरे के लिए 1:2/4:2, 1:1/4 और यहाँ पे स्मॉल बी और स्मॉल ए तो है ही नहीं, तो जीरो हो जाएगा इसका रेशियो। तो यहाँ पे जब रेशियो ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1:2:2:1:0 सेकेंड ऑप्शन। ओके रीड द फॉलोइंग टेबल स्टार्टिंग ओके सेटिंग सम फीचर ऑफ मॉलिक्यूल एक्स एंड वाई अनदर ओके तो यहाँ पे क्या हो गया अनदर ओके एक्स अकाउंट फॉर अबाउट 5% ऑफ टोटल आरएनए इन द सेल, वाई अकाउंट फॉर 80% ऑफ आरएनए इन द सेल, ओके एक्स इज लीनियर बट नेवर कॉइल्ड, ओके तो यहाँ पे एम क्या होगा, ये 5% किसकी परसेंटेज होता है एम आरएनए 5% होता है और 80% क्या होता है आरआरएनए, ओके 80% इज द परसेंटेज ऑफ आरएनए, और यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो आरएनए होता है मोस्ट स्टेबल आरएनए होता है और लीस्ट स्टेबल क्या होगा एमआरएनए, तो इसको हम क्या कर सकते हैं इजीली डिग्रेड कर सकते हैं, क्या होता है इजीली डिग्रेड कर सकते हैं। तो यहां पे क्या होगा अपने पास एक्स इज एमआरएनए एंड आर इज एक्स इज एमआरएनए एंड वाई इज एक्स इज एमआरएनए एंड वाई इज आरआरएनए, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ओके ओके। पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज इन ऑर्डर टू क्रिएट द डिजायर्ड प्लांट टाइप दैट इज बेटर सुटेड फॉर द कल्टिवेशन ओके बेटर यील्ड ओके गिव्स बेटर यील्ड डिसीज रेसिस्टेंट इज नथिंग बट प्लांट ब्रीडिंग, एंड सैट ने साफ साफ लिखा है ये पर्पसफुल मैनिपुलेशन है। क्या है पर्पसफुल मैनिपुलेशन, किसके लिए हमने बोला अगर कल्टिवेशन में हमको क्या करना है एक ऐसी वेराइटी लेनी है जो कि बेटर सूट है कल्टिवेशन के लिए, बेटर यील्ड दे रहा है यार अपने को डिसीज रेसिस्टेंट वेराइटी दे रही है, तो यहाँ पे इस तरह के इस वेराइटी को सॉरी इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे
प्लांट ब्रीडिंग कहेंगे। लार्ज होल इन स्विस चीज इज बिकॉज ऑफ प्रोपानी बैटर सरमानी, स्विस चीज में लार्ज होल प्रोपानी बैटर सरमानी और इसमें बैक्टीरिया मार रहा है, तो ये बैक्टीरिया है एक। ओके विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से गलत बताना है। ओके इन एमेंसलिज्म वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड अदर इज बेनिफिटेड, एमेंसलिज्म को हम बोलते हैं इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, दैट इज नेगेटिव जीरो टाइप ऑफ इंट्रैक्शन, जहाँ पे एक का घाटा होगा मतलब एक इज वन इज हार्म एंड अदर इज नॉट अफेक्टेड और नाइदर हार्म, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा और बाकी सब सही है, क्योंकि एक गलत हो जाएगा तो बाकी सब सही होंगे ना। ओके कम्युनिटी दैट स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन इन हैबिटेट इज कॉल्ड एज पाइनियर कम्युनिटी, पहली बार जो आएगा ओके वो क्या कहलाएगा, पाइनियर कम्युनिटी, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, पाइनियर कम्युनिटी। इन अ फैमिली द फादर हैड अ ट्रेट बट द मदर डिड नॉट, ऑल देयर सन एंड डॉटर हैड दिस ट्रेट। ओके द सम ट्रेट, ओके द सेम ट्रेट वॉज found in some granddaughter, though daughter were married to normal person. Okay, in this pedigree that okay, हमको क्या पूछा है, the pedigree genotype of father, mother and husband, father, mother and husband, father, mother and husband का, तो यहाँ पे important ये है कि अपने सारे affected हो रहे हैं सब, यहाँ पे दिमाग पहले आन चीज देखो, autosomal चीजों को पहले में check करते हैं, पहले तो autosomal check करते हैं, फिर X-link check करते हैं, और ऑटोसोमल में भी क्या पहले चेक करते हैं, डोमिनेंट चेक करते हैं, डोमिनेंट, फिर डोमिनेंट के बाद रेसेसिव चेक करेंगे, और रेसेसिव जब चेक कर लिए नहीं मैच किया, फिर हमने पास एक्सलिंग डोमिनेंट चेक करेंगे, और फिर एक्सलिंग क्या रेसेसिव चेक करेंगे, ऑर्डर होता है चेक करने का कि कौन सा है, ये फंस गया तो इस को ये सबको छोड़ देना, ये फंस गया तो ये सबको छोड़ देना। ओके तो पहले चेक कर लेते हैं डोमिनेंट। ओके तो डोमिनेंट में हमारे पास अगर डोमिनेंट हुआ तो यहाँ पे कैपिटल है कैपिटल होगा, और ये स्मॉल स्मॉल होगा क्योंकि अनअफेक्टेड है, तो अगर ये कैपिटल स्मॉल है मतलब ये अगर यहाँ पे अगर कैपिटल ही कैपिटल है फादर, अगर कैपिटल ही कैपिटल है मदर, अगर स्मॉल है तो सारे अफेक्टेड हो जाएंगे चाइल्ड, ये सारे में क्या हो जाएगा स्मॉल कैपिटल है, और यहाँ पे ये कैपिटल स्मॉल अफेक्टेड हो जाएंगे तो हमारे मतलब सारे प्रोजेनी क्या हो जाएंगे अफेक्टेड हो जाएंगे, तो ये वाला सही लग रहा है, सही फिट हो रहा है क्या, बिल्कुल। और यहाँ पे अगर ये स्मॉल हुआ तो कैपिटल है, इस कैपिटल स्मॉल है तो यहाँ पे यस, ये एक पेरेंट अपने पास ग्रैंड डॉटर भी है वो क्या हो सकती है, ग्रैंड डॉटर भी क्या अफेक्टेड हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो यहाँ पे जो फादर का जीनोटाइप होगा वो कैपिटल है कैपिटल होगा, मदर का कैपिटल सॉरी स्मॉल स्मॉल होगा, और जो क्या पूछा है इसमें डॉटर पूछा है क्या, ओके तो पेडिग्री ऑफ द हस्बैंड हस्बैंड का डॉटर जो है ना सॉरी हस्बैंड जो है ना डॉटर का वो क्या होगा स्मॉल स्मॉल है, तो कैपिटल है कैपिटल है स्मॉल स्मॉल एंड देन स्मॉल स्मॉल दिस रिक्वायर्ड आंसर। विच ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब द ओके विच ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब द कब ए एंड बी, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा एस इज इक्वल टू सी ए की पावर जेड, एस इज इक्वल टू सी ए की पावर जेड, दो ऑप्शन में है, बी क्या है अपने पास लॉग एस नॉट स्पीसीज रिचनेस, हम लोग स्पीसीज रिचनेस की बात कर रहे हैं, स्पीसीज रिचनेस की बात करें तो एस की बात करेंगे, इसीलिए आगे में एस आ जाएगा, लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, लॉगरिथमिक स्केल पे ये स्ट्रेट लाइन का आता है अपने पास स्पीसीज रिलेशनशिप। Which of the following is the best method utilized to get rid of particulate matter present in the exhaust from the thermal power plant? तो एनसीईआरटी ने कहा कि बेस्ट वे है पार्टिकुलेट मैटर को निकालने का इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, और इसका तो अपने पास लेबलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डर्टी एयर अंदर जा रहा है, ये डस्ट पार्टिकल है और ये डिस्चार्ज कोरोना, यार कोरोना यहाँ भी आ गया, अच्छा यहाँ पे क्लियर एयर बाहर जा रहा है, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज वायर है यहाँ रखने का, और यहाँ पे ये एरो भी देखने का बाहर में जो छोटा बाहर में जो एरो है ना वो कोरोना को बता रहा है डिस्चार्ज कोरोना को, और अंदर में जो वायर्स हैं वो क्या होंगे नेगेटिवली चार्ज वायर्स होंगे, और ये प्लेट हो जाएंगे ग्राउंडेड जो कि सेवरल थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट में ग्राउंड हो चुके हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास लेबलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है पॉलिनेशन इज एसेंशियल इन एंजियोस्पर्म प्लांट बिकॉज, इन पॉलिनेशन अपने पास बोथ जो मेल गैमेट हैं बोथ टाइप ऑफ गैमेट आर नॉन मोटाइल, दैट्स व्हाई ओके दैट्स व्हाई इट रिक्वायर्ड पॉलिनेशन। ओके यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई अपने पास पहला ही हो जाएगा, इट डिक्रीज द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, या टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन कैसे डिक्रीज कर सकता है, ये टाइम ऑफ उतना तो लगेगा जितना लैंड करने पे और यहाँ पे जाने में जितना टाइम लगेगा उतना तो टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन लगेगा, ये टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन को रिड्यूस कैसे कर सकता है, नहीं कर सकता ये है ना, तो यहाँ पे ए और बी नहीं होगा आंसर, सी पर सी बी होगा कि ये क्या करता है ये अपने पास दोनों को पास लाता है मेल और फीमेल गैमेट को, इट डज नॉट हेल्प इन डिक्रीजिंग द टाइम ऑफ दैट इज फर्टिलाइजेशन। ओके एक्सपेक्टेड चाइल्ड ऑफ अ ब्लू आईड रेसेसिव वुमेन, तो ब्लू आईड है तो कैपिटल भी स्मॉल भी है ना, तो ब्लू आईड रेसेसिव ट्रेड है यार, ब्लू आई ब्लू क्या रेसेसिव ट्रेड है, तो अपने पास ये फीमेल कैसे होगी स्मॉल भी
एंड ब्राउन डोमिनेंट मैन तो अपने पास होगा ओके, हु हैड ब्लू आइड मदर, अगर इसके पास ब्लू आइड मदर है, किसके पास ब्लू आइड मदर किसके पास है, मैन के पास, तो उसके पास एक जीन आ जाएगा, स्मॉल भी वाला रहेगा कैपिटल भी होगा होगा, तो अब क्या होगा, अपने पास पूछा है 50% ब्लू होंगे, क्योंकि 50% ये मिलेगा अपने पास, कंपोजिशन क्या मिलेगा ये मिलेगा, 50% अपने पास ब्लू होंगे, ब्लू आइड ये वाले, और अपने पास 50% ब्राउन आइड हो जाएंगे ओके। नेक्स्ट इज ई कोलाई विथ डबल स्ट्रैंड डीएनए लेबल्ड विथ रेडियो एक्टिव थायमिडिन ऑल ओवर टू रेप्लीकेट इन अ सिंपल न्यूट्रिएंट मीडियम फॉर टू जनरेशन ओके, तो पहले जनरेशन इसको मान लिया 20 मिनट में रेप्लीकेट करता है ई कोलाई, उसके बाद सेकंड जनरेशन इसको मान लिया 40 मिनट में रेप्लीकेट करता है। मैं सस्पेंशन स्टाइल एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ बैटरी कंटेनिंग ओनली नॉन रेडियोएक्टिव डीएनए, तो यहाँ पे हमने बोला ये देखो अपने पास, देखो ये अपने पास N15 वाले को रेडियोएक्टिव वाला मान लेते हैं, तो यहाँ पे N15 वाले क्या हो जाएंगे, दो हो जाएंगे जिसमें N15 पाया जाएगा, या फिर दो हो जाएंगे ऐसे जिसमें रेडियोएक्टिव थायमिडिन पाया जाएगा, और दो ऐसे होंगे जिसमें कुछ नहीं पाया जाएगा, नॉन रेडियोएक्टिव पाए जाएंगे, तो दो अपने पास हैं चार में से जिनमें नॉन रेडियोएक्टिव चीज़ें पाई जा रही है, तो अपने पास 50% क्या हो जाएगा, 50% क्या हो जाएगा ओके, 50% इज द परसेंटेज ऑफ बैटरी कंटेनिंग ओनली द नॉन रेडियोएक्टिव डीएनए। वैम इज नथिंग बट इट इज एंडोमाइकोराइजा, वैम क्या होता है, एंडोमाइकोराइजा, इसमें वैस्क्यूलर एरबस्क्यूलर माइकोराइजा बोलते हैं ओके, वैस्क्यूलर जो होते हैं वो अनब्रांच होते हैं, वेसाइकल्स जो होते हैं अनब्रांच होते हैं, और एरबस्क्यूल्स होते हैं ब्रांच, इंपॉर्टेंट ये कि कहाँ पे देखने मिलता है, जियो में, जियो मतलब वो वाला नहीं ये वाला, गो 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 डियागो गो, तो जियो मतलब ग्लोमस ऑर्किड, ग्लोमस में क्या पाया जाएगा ऑर्किड, सॉरी ग्लोमस जो होता है वो है ना फंगस है, और ये ऑर्किड के साथ क्या बनाता है, ऑर्किड एक हायर प्लांट है, मोनोकॉट है, उसके साथ क्या बनाएगा, एसोसिएशन बनाएगा, और ये क्या कहलाएगा, एंडोमाइकोराइजा कहलाएगा, इसको वैम भी कह देंगे, वैम भी कह देंगे एंडोमाइकोराइजा को ओके ओके। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट एंड गोन एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, तो जो चला गया वो एग्जिट हो गया, एग्जिट से ई और ई से एम आई इमिग्रेशन, ई ई ई इन हो गया तो इमिग्रेशन बोलेंगे, एग्जिट हो गया ई माइग्रेशन बोलेंगे ओके। बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड द डेट्राइटस इंटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, अगर हमने पास बैक्टीरिया और फंजाई उस पर एक्ट कर रहे हैं, अगर बैक्टीरिया और फंजाई एक्ट कर रहे हैं तो उसे हम कैटाबोलिज्म कहेंगे, और उस पर डेट्राइटिवोर्स अगर एक्ट कर रहे हैं तो उसे हम फ्रेगमेंटेशन कहेंगे, अपने पास बड़ा पार्टिकल था उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में किसने तोड़ दिया, अपने बोला डेट्राइटिव ने तोड़ दिया, इसे क्या कहा, इसे हमने फ्रेगमेंटेशन कहा, अब इस छोटे छोटे पार्टिकल्स और भी छोटे टुकड़े में और भी छोटे टुकड़े में किसने तोड़ा, हमने बोला बैक्टीरिया ने और फंजाई ने तोड़ा, इसे हमने क्या कहा, कैटाबोलिज्म कहा, तो यहाँ पे कैटाबोलिज्म हो जाएगा। ओजोन होल रिफर्स टू व्हाट इज ओजोन होल, तो ओजोन होल इज रिडक्शन इन द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फीयर, इनसाइड लिखती है ओजोन होल के बारे में, ओके हमको बोला अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, अमेजोन रेन फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड द लंग्स ऑफ द प्लैनेट एंड दे कंट्रीब्यूट ओके, दे कंट्रीब्यूट अबाउट 20%, दैट इज 1/5 ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इन द अर्थ एटमोसफियर, 20% ओके 20%। ओजोन होल, अब बताते हैं ओजोन होल की बात करते हैं, ओजोन होल, ओजोन होल क्या होगा, अपने पास देखो यहाँ पे रिडक्शन हो गया थिकनेस में, थिकनेस ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर में जब रिडक्शन हो गया थिकनेस का, इसे हमने ओजोन होल कहा, और ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, एंटार्क्टिका एंड नॉट आर्टिक, एंटार्क्टिक ओके, और यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर में क्या हो गया, थिन ओजोन जोन देखने को मिला, मतलब थिन हो गया अपने पास ओजोन लेयर, इसे हमने ओजोन होल नहीं कहा, इसको किसने कहा, एनसीईआरटी ने ओजोन होल कहा। Identify the ploidy, okay. Identify the ploidy of the following part of the flowering plant. तो ओवरी डिप्लॉयड होगी, एंथर भी डिप्लॉयड होगा, एग हैप्लॉयड होगा, पोलन हैप्लॉयड होगा, मिल्क गैमेट हैप्लॉयड होगा, और जायगोट डिप्लॉयड होगा, तो अपने पास डिप्लॉयड डिप्लॉयड हैप्लॉयड 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 एंड डिप्लॉयड, क्योंकि अपने पास यहाँ पे ये हो गया आंसर। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिंकेज ओके, द लिंक जीन आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोजोम, ऐसा अगर लिंकेज होना है तो दोनों क्रोमोजोम में एक ही क्रोमोजोम में पाना जाना जरूरी है, अगर लिंकेज होना है तो जो जीन है उसको एक ही क्रोमोजोम में पाया जाना आवश्यक है, तो सही हो जाएगा ये वाला ओके। क्रॉसिंग ओवर बिटवीन लिंक जीन इज मैक्सिमम, नहीं 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 अगर जीन लिंक है तो क्रॉसिंग ओवर मैक्सिमम नहीं होगा, लिंकेज मैक्सिमम होगा तो ये गलत हो जाएगा अपने पास।
लिंकेज कैन बी ब्रोकन बाय क्रॉसिंग ओवर, यस लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर आर टू डिफरेंट थिंग, ओके ओके। एक का उल्टा है दूसरा, एन एंटागोनिस्टिक जिसको बोलते हैं। लिंकेज इज अगेंस्ट मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड लिंकेज इज अगेंस्ट द मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है ओके okay? तो यहाँ पे जो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो एक्सेप्शन है वो लिंकेज है, तो यहाँ पे ये लगा जाएगा। तो यहाँ पे वन एंड थ्री इज करेक्ट, वन एंड थ्री इज करेक्ट। Which of the following is incorrect for operon concept? Okay, okay. The sequence of structural gene in lac operon is ZYA, Z code for hydrolytic enzyme that is beta galactosidase. बिल्कुल सही है। L-lactose turn it on. Okay, L-lactose जो होता है real inducer होता है, जो कि क्या करता है, इसकी presence में ये हो जाएगा on. सही बात है। With repressor protein, बिल्कुल when bind to the repressor protein, so inactive कर देगा ये। इट इज एन इंड्यूसेबल ऑपेरॉन एंड कंट्रोल कैटलिटिक रिएक्शन, यस ये इंड्यूसेबल ऑपेरॉन है जिसमें नेगेटिव रेगुलेशन देखने को मिलता है। ऑपरेटर जीन रिसीव आरएनए पॉलीमरेज टू, यहाँ पे क्या लिख रहा है, ऑपरेटर जीन रिसीव आरएनए पॉलीमरेज टू स्विच ऑफ, नहीं नहीं अपने पास है पॉ 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 सीक्वेंस है, पी से आगे कौन बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, और ऑपरेटर से आगे कौन बाइंड करेगा, रिप्रेसर, ऑपरेटर से आगे कौन बाइंड करेगा, रिप्रेसर बाइंड करेगा ऑपरेटर से। तो यहाँ पे ऑपरेटर जीन रिसीव आरएनए ऑपरेटर डज नॉट रिसीव आरएनए पॉलीमरेज, इट रिसीव रिप्रेसर, सो इट इज इनकरेक्ट एंड द रिक्वायर्ड आंसर, वी हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट इन फूड चेन द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज दैट ऑफ, तो अपने पास जनरल बात करनी है कि लार्जेस्ट पॉपुलेशन किसका देखने को मिलेगा, क्योंकि अपने पास एट्रैटी वर्ड्स को तो फूड चेन में इंक्लूड करते ही नहीं है, और एक जनरल इकोसिस्टम अपने जनरल पिरामिड ऑफ नंबर जो होगा वो एक अपराइट पिरामिड होगा, और इसमें जो मैक्सिमम प्रोड्यूसर का नंबर हो जाएगा, मैक्सिमम किसका प्रोड्यूसर का, किसका नंबर होगा, प्रोड्यूसर का नंबर मैक्सिमम होगा, प्रोड्यूसर का नंबर मैक्सिमम होगा। प्रेजेंटली द टोटल नंबर ऑफ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड, टोटल नंबर ऑफ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट प्रेजेंटली कितने, 34 है, 34 है, उसमें इंडिया में कितने हैं, 3 है, 3 है, ओके ओके। थैलेमस इज अ फ्रूट फॉर्मेशन इन, थैलेमस इज द फ्रूट फॉर्मेशन इज, हमने बोला स्ट्रॉबेरी की बात कर लेते हैं, स्ट्रॉबेरी की बात कर लेते हैं, स्ट्रॉबेरी में लेबलिंग इंपॉर्टेंट, थैलेमस जो होता है एडिबल पार्ट होता है, और यहाँ पे कीन्स का डेवलपमेंट होता है स्ट्रॉबेरी में। स्ट्रॉबेरी इज अ टाइप ऑफ फॉल्स फ्रूट, क्योंकि यहाँ पे अपने पास क्या बोली इंसर्ट ने, फॉल्स फ्रूट और एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी, ये भी यहाँ पे, ये एप्पल भी फॉल्स फ्रूट है और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फॉल्स फ्रूट। लेबरिंग इंपॉर्टेंट है, ये एंडोकार्प है, ये मीजोकार्प है, ये थैलेमस जो कि एडिबल पार्ट है, सबसे अंदर में क्या जाएगा, सीड, सबसे बाहर में क्या, मीजोकार्प वाला, तो एपिकार्प वाला नहीं बताया इसने, तो यहाँ पे एपिकार्प कौन सा, ये वाला ओके, ये वाला। तो यहाँ पे ये हो गया अपने पास मीजोकार्प, ये हो जाएगा एंडोकार्प, और ये हो जाएगा सीड। तो स्ट्रॉबेरी में थैलेमस इज अ फ्रूट, ओके, थैलेमस टेक पार्ट इन द फ्रूट फॉर्मेशन। डाउन सिंड्रोम इज कस्ट ड्यू टू, डाउन सिंड्रोम क्यों होता है, ओके, अपने पास एडिशन होता है, तो अपने पास एडिशन होगा किसका, 21 क्रोमोसोम का, जो कि ऑटोसोम है, तो ऑटोसोमल एडिशन की वजह से क्या होता है डाउन सिंड्रोम। डायमीटर ऑफ पॉलन ग्रेन इज, तो डायमीटर ऑफ पॉलन ग्रेन कितना होता है, 225 याद रखना, डायमीटर पूछा है, रेडियस पूछे तो आधा कर देना। यहाँ पे ये डायमीटर कितना होता है, 25 to 50, वो भी किसमें, माइक्रोमीटर में, 25 to 50, वो भी डायमीटर है, वो भी माइक्रोमीटर में है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बैक्टीरिया जेनेटिकली इंजीनियर टू एक्सप्रेस अ CDNA फ्रॉम अ प्लांट सेल विल, ओके, तो हमने बोला ओके okay, तो क्या है अपने पास, ये अपने पास है ना, बैक्टीरिया में CDNA बनाया फ्रॉम अ प्लांट सेल, ओके, प्लांट सेल से जब CDNA बनाया, तो CDNA अपने पास ऐसे DNA जहाँ पे क्या नहीं पाए थे, इंट्रॉन्स नहीं पाए थे, क्योंकि अपने क्या किया, RNA को जब हमने बोला ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने RNA क्या किया, CDNA में कन्वर्ट कर दिया, ओके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नो इंट्रॉन, ये खास बात है इसकी, CDNA की नो इंट्रॉन, इसमें कोई भी इंट्रॉन नहीं पाए जाते, ठीक है, तो यहाँ पे ये खास बात है। और क्या है कि यहां पे पढ़ लेते हैं, पहले स्टेटमेंट, सिंथेसाइज अ प्रोटीन विद द सेम सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड एज दैट एज इन द प्लांट, एंड देयरफॉर द प्रोटीन विल हैव द सेम स्ट्रक्चर, यस बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर होगा, सेम फंक्शन होगा इन द प्लांट, बिल्कुल सही, यहां पे सेम स्ट्रक्चर है, सेम सीक्वेंस है, सेम फंक्शन है, ओके ओके, तो यहां पे क्या हो सकता है, सिंथेसाइज हो जाएगा, बिल्कुल सिंथेसाइज हो जाएगा, लेकिन क्या बोल रहे हैं, डिफरेंट बोल रहे हैं, कोडॉन नहीं यार, कोडॉन तो यूनिवर्सल होते हैं, कोडॉन तो यहाँ पे जो काम करेंगे, जो कोड यहाँ पे करेंगे, वो कोड वहाँ पे भी करेंगे ना, प्लांट में भी करेंगे, और वही कोड क्या करेंगे, बैक्टीरिया में भी करेंगे, तो ये डिफरेंट क्यों बोल रहे हो भाई, है ना, तो दे डू नॉट एबल टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन, क्यों नहीं सिंथेसाइज कर सकते यार, इनमें क्या नहीं है यार, एग्जॉन्स नहीं है, यहाँ पे इंट्रॉन्स हैं, क्योंकि यहाँ पे CDNA जो होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ इंट्रॉन्स एग्जॉन्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ, तो यहाँ पे ये फंक्शनल पार्ट है, कि एग्जॉन्स आर द कोडिंग सीक्वेंस और द फंक्शनल पार्ट, ओके,
ओके सो इट इज इनकरेक्ट। एंड यहाँ पे क्या बोल रहा है, फोर्थ स्टेटमेंट नॉट बी एबल टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन बिकॉज ट्रांसलेशन इज कपल्ड विथ ट्रांसक्रिप्शन। नहीं नहीं यहाँ पे भी सिंथेसिस कर सकते हैं यार, यहाँ पे भी सिंथेसिस कर सकते हैं, यहाँ पे कोई लेन देन नहीं है नहीं चीज़ों का, क्योंकि यहाँ पे इंट्रॉन्स हैं ही नहीं, तो यहाँ पे सिंथेसाइज कर सकता है कि एग्जॉन्स जो एक्सप्रेस सिक्वेंस कराते हैं। ओके उसके बाद क्या बोल रहा है, होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस एग्रीनल कैपेसिटी कितना होता है, 650 से 800। सो एक ए इज मैच विद एस, 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 ए इज मैच विद एस एंड दिस रिक्वायर्ड आंसर। एंड होमो रेटस इज मैच विद बी इज मैच विद आर, बी इज मैच विद आर। ओके उसके बाद है इन्फेक्शन बाय अ पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी सिंथेसाइज अगेंस्ट द पैथोजन, द टेस्ट बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल इज। तो यहाँ पे ये एलाइजा की बात कर रहे हैं, एलाइजा मतलब एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ओके तो ये बेस्ड है किस पे, डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी, अपने बॉडी क्या है बहुत छोटी चीज़ों को डिटेक्ट नहीं कर सकती, एंटीजन को डिटेक्ट नहीं कर सकती, उसके अपने अपने बॉडी कर सकते छोटे छोटे एंटीजन को, लेकिन हमने बोला एलाइजा डिटेक्ट नहीं कर सकता, तो हमने क्या किया एंटीबॉडी को डिटेक्ट किया कि वो क्या करे, जो एंटीबॉडी बने हैं पैथोजन के अगेंस्ट उसको डिटेक्ट करे। इट इज द मैकेनिज्म एक्शन ऑफ एलाइजा। अजाइमोजन इज एन इनएक्टिव सब्सटेंस विच इज मेड एक्टिव विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम। पेप्सिनोजन इज सीक्रेटेड बाय एन अजाइमोजन, सीक्रेटेड एज जाइमोजन इनटू द स्टमक। ओके तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जाइमोजन क्या होते हैं, ऐसे इनएक्टिव सब्सटेंस होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाके देखो प्रो एंजाइम जो होगा पेप्सिनोजन होता है, प्रो एंजाइम है क्योंकि यहाँ पे ये नहीं क्या करता, ये एक्टिवेट नहीं होता, एक्टिवेट होता है एसिडिक पेज में या फिर स्टमक में। तो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन जब एक्टिव होगा तो पेप्सिन बनाएगा, और ये पेप्सिन जो होता है वो क्या करता है, ये पेप्सिन जो होता है प्रोटीन का डाइजेशन करता है। अगर हमारे पास क्या नहीं हुआ, अगर अपने पास पेप्सिन, अगर अपने पास फिर अगर यहाँ पे डायरेक्टली मैंने पेप्सिन सीक्रेट कर दिया बिना प्रो एंजाइम के फॉर्म, मतलब प्रो पेप्सिनोजन के फॉर्म में बिना सीक्रेट कर दिया पेप्टिन सॉरी पेप्सिन, तो क्या होगा अपनी बॉडी भी प्रोटीन से बनी, अपनी बॉडी भी डाइजेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रिवेंट डाइजेशन ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब प्रोटीन्स की बात कर रही है। मैच द अबनॉर्मल कंडीशन गिवन इन द कॉलम वन सॉरी कॉलम ए विद एक्सप्लेनेशन गिवन इन द कॉलम बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके ग्लाइकोसूरिया का मतलब होता है ग्लूकोज इन यूरिन, ग्लाइकोसूरिया मतलब क्या होता है ग्लूकोज इन यूरिन, अगर ग्लूकोज किसमें आ जाए यूरिन में तो क्या कहेंगे ग्लाइकोसूरिया। सो इज मैच विद फोर, इज मैच विद फोर, तो वी हैव टू ऑप्शन विच आर करेक्ट, ए एंड बी कैन बी करेक्ट, सॉरी एन सॉरी सी एंड डी कैन बी करेक्ट, वी हैव एलिमिनेट ए एंड बी। एंड द नेक्स्ट इज रिनल कैनेलिक्यूलाई, रिनल कैनेलिक्यूलाई इज नथिंग बट ओके यहाँ पे एक स्टोन बन जाएगा, किडनी स्टोन जिसे हम कहते हैं, इनसॉल्युबल मास बन जाएगा जो कि किसका होता है ऑक्सलेट्स का, किसका होता है ऑक्सलेट्स का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओके एक्यूमुलेशन ओके मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट विद इन द किडनी। सो अपने पास क्या होगा, अपने पास ये जो बी है ना रिनल कैनेलिक्यूलाई वो अपने पास क्या होगा मास ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट विद इन द किडनी, मास ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट विद इन द किडनी। बी इज मैच्ड विथ थ्री, बी थ्री, ओके ए इज मैच्ड विथ फोर, ए इज मैच्ड विथ फोर, ए इज मैच्ड विथ फोर, बी इज मैच्ड विथ थ्री, रिप्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, नहीं बी इज मैच्ड विथ थ्री, एंड व्हाट इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुला, ठीक है। सो थ्री इज मैच्ड विथ टू, मतलब सी इज मैच्ड विथ टू, एंड देन डी व्हाट इज डी दैट इज गाउटी, गाउटी इज नथिंग बट इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। ओके Many element are found in the living organism either free or in the form of compound. Which one of the following is not found in all living organism? देखो सिलिकॉन जो होता है ना वो ज़्यादा पाया है अर्थ कस्ट में, और ये नेग्लिजिबल पाया है ह्यूमन बॉडी में, मतलब नेग्लिजिबल पाया है ह्यूमन बॉडी में, इसका मतलब ये है कि अपने बॉडी में सिलिकॉन पाया ही नहीं जाता। अच्छा इंस्पायरेशन इज अचीव्ड व्हेन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम जैसे बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया मतलब बॉयल्स फ्लोइड के हिसाब से प्रेशर कम हो जाएगा कि ये टाइट चैम्बर है बिल्कुल, तो यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, तो जब प्रेशर कम हो गया तो बाहर का जब प्रेशर ज़्यादा है तो बाहर से एयर कैसे जाएगा अंदर। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके ई सी जी डिपिक्ट द डी पोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन प्रोसेस ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। ओके इन ई सी जी ऑफ नॉर्मल
नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल विच द फॉलोइंग वेव इज नॉट रिप्रेजेंटेड। तो ईसीजी में हमको क्या देखने को मिलेगा, आर्टेरियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। अपने को आर्टेरियल डीपोलराइजेशन नाम की कोई चीज देखने को मिलेगी ही नहीं। Which of the following, which of the set, okay, which of the set depicted only homologous organ? तो यहाँ पे ये homologous organ represent किया है NCERT in animals में, जो four limbs हैं, okay, man, bat, cheetah, okay, ये सब किसके example हैं, ये अपने पास homologous organ के example हैं। Which of the following is an example of direct gene transfer, जिनको हम vectorless gene transfer बोलते हैं। तो ये micro injection जो कि animal में किया जाता है, okay, ballistic method और gene gun method जो कि किसमें plants में किया जाता है, और plants में किया जा रहा है तो यहाँ पे gold और tungsten का इस्तेमाल किया जाता है, और electroporation तो bacteria में किया जाता है। अच्छा, पोर्स बनाए दिए जाते हैं उसके शरीर में, इतने छेद करते हैं कि वो मर जाता है, नहीं बैक्टीरिया अंदर लेता है, सॉरी डीएनए अंदर लेता है। इफ नॉन डायबिटिक पर्सन रिलीज ग्लूकोज इन द यूरिन, इट मे बी ड्यू टू डिफेक्ट इन, अगर एक नॉन डायबिटिक पेशेंट ग्लूकोज निकाल रहा है यूरिन में, मतलब ये हो रहा होगा कि यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं पीसीटी में, है ना, इसको हम सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन कहते हैं, वहां पे कोई कमी हो गई होगी, तभी तो ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं हो रहे होंगे और एक्सक्रीट हो जा रहे होंगे यूरिन से। तो देयर इज अ डिफेक्ट इन द सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन दैट टेकिंग प्लेस इन द पीसीटी। Which of this is false about enzyme? Which of the following is false about enzyme? तो nucleic acid which behave as enzyme is called as ribozyme. Yes, that is peptidyl transferase का जो enzyme है वो काम करता है as ribozyme. Okay, enzyme only catalyze the reaction and do not initiate it. बिल्कुल सही बोल रहा है। All enzyme are subjected to degradation at temperature more than 40 degrees Celsius. यानी कुछ ऐसे भी enzyme पाए जाते हैं जो कि high temperature पे काम करते हैं। उनमें से एक है अपने पास tech polymerase which is obtained from thermos aquaticus. Okay, तो यहाँ पे thermostable हो जाएगा। ये बहुत high temperature पे भी, मतलब 94 degrees Celsius में, 72 degrees Celsius में और 54 degrees Celsius में भी active होता है। तो ये गलत अपना answer जाएगा ये। रेस्पायरेशन इन इंसेक्ट ओके इज नोन टू बी डायरेक्ट बिकॉज रेस्पायरेशन जो इंसेक्ट में होता है वो स्पाइरिकल्स के थ्रू होता है। अपने पास 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं ओके 10 सेगमेंट में, 10 एब्डोमिनल सेगमेंट में 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं। ओके यहाँ पर ट्रेकियल ट्यूब्स देखने को मिलेंगे, ट्रेकियल ट्यूब्स देखने को मिलेंगे, और जो ट्रेकियल ट्यूब्स होंगे वो अपने पास यहाँ पर ट्रेकियल ट्यूब्स हो गए डायरेक्ट हर टिश्यू के अंदर ऑल पार्ट कॉन्टेक्ट में होते हैं, और यहाँ पर क्या होगा द टिश्यू एक्सचेंज CO2 एंड O2 थ्रू ओके डायरेक्टली विद एयर विद ट्रेकियल ट्यूब्स। ओके ट्रेकियल ट्यूब्स देखने, कोई सिरेमिक फ्लूइड से नहीं होगा, कोई हीमोसिल विमोसिल की काम नहीं होगी, अपने पास बॉडी सरफेस से नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा ए वाला, आंसर करेक्ट है, ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अ पेशेंट हैज मेट विद अ कार एक्सीडेंट एंड हैज लॉस्ट अ लॉट ऑफ ब्लड, चूज द रिस्पांस दैट विल कंपनसेट द मोस्ट ऑफ द ब्लड लॉस। अगर देखो ब्लड लॉस कम हो गया, ये इमरजेंसी कंडीशन है भाई, अपने पास मरने के कगार पे खड़ा है इंसान, इमरजेंसी कंडीशन है, तो इमरजेंसी हार्मोन जो कि एडिनलिन और नॉन एडिनलिन है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और एडिनलिन क्या करेगा, अगर ब्लड कम हो गया तो ब्लड को बढ़ाना चाहेगा, ब्लड बढ़ाने के लिए वो कार्डियक आउटपुट बढ़ा देगा, देखना। और कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, और हार्ट रेट अगर अपने पास बढ़ा दिया, क्योंकि एडिनलिन क्या करता है, एडिनलिन हार्ट बीट को बढ़ाता है, ये कहां पे स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा नहीं सकता, तो यहां पे इसने हार्ट रेट को बढ़ा दिया, एडिनलिन जो होगा वो हार्ट रेट को बढ़ा देगा, तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, और कार्डियक आउटपुट बढ़ गया तो अपने पास इंसान बच सकता है मरने से। बेस्ड ऑन द फिनोमिना रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन डायग्राम चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको जुगाड़ लगाना पड़ता है, मतलब ये जो है ना ये खपाने वाला क्वेश्चन है, मतलब इसमें आंसर देखो और फिर बताओ कि आंसर क्या एक्सप्लेनेशन है। असली में तो क्या है कि एक्सप्लेनेशन कोई सभी सही नहीं लग रहा है, लेकिन एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जामिनर को पता है कि भाई क्वेश्चन कोई सभी इसमें सही नहीं है, मतलब ऑप्शन कोई सभी सही नहीं है, लेकिन सबसे परफेक्ट ऑप्शन आसपास सोच के टिक करना होता है, ऐसा क्वेश्चन को आएंगे बिल्कुल आएंगे। तो यहाँ पे बोला इन फिंचेस ऑन द गैलापागोस आइलैंड प्रूव द इवोल्यूशन इज ड्यू टू म्यूटेशन, यहाँ पे इवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन होता है, म्यूटेशन से नहीं होता। The rapid decline was observed in the population of finches on an island due to the competition among the species. नहीं, गलत है, decline नहीं होता, competition देने मिलता ही नहीं है। This phenomenon is an example of convergent evolution. नहीं, ये देखो ये example किसका है, ये example adaptive radiation का, और adaptive radiation का जो diagram बनाई उसमें देख रहा है कि चीजें बाहर जा रही दूर जा रही है, diverge हो जाती है, ये diverge होती जा रही है, तो adaptive radiation is nothing but type of diverging evolution. तो थर्ड तो उस हिसाब से क्या गलत है,
है ना। लेकिन हमने बोला यहाँ पे फोर्थ वाला भी गलत है, क्योंकि देखो फोर्थ वाले में क्या बोला, ओरिजिनल इंसेक्टिवस फिंचेस, नहीं ओरिजिनल जो जो ओरिजिनल जो अपने पास जो ओरिजिनल जो थे फिंचेस वो क्या थे, सीड ईटिंग थे, सीड ईटिंग थे, नॉट इंसेक्टिवस। तो ये गलत जाएगा अपने पास, तो सी वाला सही होगा, क्योंकि सी देखो जुगाड़ी से लगाएंगे, देखो अपने पास थोड़ा सोच सोच के आसपास टिक करके लगेंगे, ठीक है, क्योंकि आसपास से टिक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल की बात की, प्लासेंटल मैमल की बात की, जो आपस में कन्वर्जेंस शो करते हैं, तो ये सही स्टेटमेंट है। एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है ऊपर वाले डायग्राम को, ये ऊपर वाले डायग्राम को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन सही स्टेटमेंट इसलिए अपने पास किससे जाना पड़ेगा, सी के साथ जाना पड़ेगा अपने को। ओके, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन अ वेक्टर यूजुअली हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ, ओके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो होता है जो कि सेलेक्टेबल मार्कर जैसे काम करता है, ट्रांसफॉर्मेट को सेलेक्ट करने में हेल्प करता है। द स्ट्रक्चर गिवन बिलो इज मेड अप ऑफ टू स्टैंड अप लॉन्ग चेन ऑफ ओके एमिनो एसिड। तो यहाँ पे सेकेंडरी कन्फिग्रेशन है, और ये भी ये बीटा वाला कन्फिग्रेशन, सेकेंडरी और बीटा, सेकेंडरी और बीटा कन्फर्मेशन है ये। इलीली एन अमेरिकन कंपनी प्रिपेयर टू डीएनए सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन एंड प्रोड्यूस दैम इन प्लाज्मिड ऑफ इशरेशिया कोलाई टू प्रोड्यूस ह्यूमन सॉरी टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन। दिस चेन ए एंड बी वेयर ओके वेयर लेटर जॉइन बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड कितना होता है, ए और बी के बीच में दो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, और ए के अंदर अपने पास अमीनो एसिड नंबर 21 अमीनो एसिड रहेंगे, और बी के अंदर 31 अमीनो एसिड पाते हैं। फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लोरेटर वेयर प्रीफर्ड ओवर वेजिटेटिव क्रैटर, क्योंकि जो अपने पास जो वेजिटेटिव क्रैटर है उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे क्या है वेजिटेटिव क्रैटर जो होते हैं वो मोर इजली अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट, आसानी से वेजिटेटिव क्रैटर एनवायरनमेंट अफेक्ट कर सकता है, उनको चेंज कर सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं फ्लोरेटर इस्तेमाल करते हैं। ओके, जो शो करते हैं वेरिएशन कम एंड कम वेरिएशन शो करते हैं देन वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। The earliest attempt to scientific basis of classification is missed by, तो जो earliest attempt जो था scientific basis of classification के लिए वाइस साहब ने दिया, प्लांट्स को हर्ब सब ट्री में और एनिमल्स को रेड ब्लडेड और नॉन रेड ब्लडेड में क्लासीफाई कर दिया अरिस्टोटल साहब ने। Bryophyte compresses of a sporophyte that is dependent on the gametophyte, small sporophyte it is dependent on the gametophyte or parasitic on the gametophyte. Which of the following statement is correct? माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन सर्कुलर डीएनए बट लाइक यार यहाँ पे दोनों पाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और सर्कुलर क्लोरोप्लास्ट, दोनों में सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा। The G2 phase of the cell cycle is characterized by the presence of, तो G2 phase में क्या होता है अपने पास, G2 phase में क्या होता है प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, G2 phase में क्या होता है प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, मतलब यहाँ पे ट्यूबुलिन सिंथेसिस हो जाएगा G2 phase में। ओके अपने पास क्या होगा सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन टेक प्लेस इन G2 phase। तो यहाँ पे करेक्ट फ्लोर डायग्राम क्या अपने पास, ये देखो यहाँ पे सी के बीच में क्या अपने पास एपिपेटलस कंडीशन देखने को मिल रही है, एपिपेटलस कंडीशन देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे ये वाला जाएगा अपने पास। इन टेम्परेट रीजन ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन कैम्बियम इज वेरी एक्टिव एंड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट हैविंग वेसल विद वाइडर कैविटीज वुड फॉर्म्ड इन दिस वे इज कॉल्ड एज। जब अपने पास क्या हुआ जब टेम्परेट कंट्री में जब सी स्प्रिंग वुड था जो स्प्रिंग सीजन में बनता है उसको हम अर्ली वुड बोलते हैं कि जल्दी बना। ओके इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अर्ली वुड। वाट विल बी ऑब्जर्व बाय द रूट हेयर वैन सॉरी वाट नहीं बोला वाटर बाय बाय वाटर को वाट बोलता हूँ मैं क्या हो गया वाटर जब ऑब्जर्व होगा कब ऑब्जर्व होगा वाटर किसमें रूट हेयर में जब यहाँ पे ऑस्मोटिक ज़्यादा होगा ओपी ज़्यादा है ओपी कम है तो यहाँ पे ज़्यादा ओपी से कम ओपी की तरफ क्या मिलेगा पानी का मूवमेंट देखने को मिलेगा। ओके ठीक है ना, तो यहाँ पे वैक्यूल देखने को मिलेगा और वैक्यूल में अपने पास है ना वैक्यूल देखने को मिलेगा, वैक्यूल में क्या पाया था सेल सैप, और सेल सैप में क्या होगा सॉल्यूट्स होंगे, सेल सैप में क्या होगा सॉल्यूट्स होंगे, और सॉल्यूट होंगे तो ज़्यादा कंसंट्रेशन यहाँ पे होगा कि नहीं होगा बिल्कुल होगा, तो कम कंसंट मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा कंसंट्रेशन कितना ज़्यादा कंसंट्रेशन वाटर का यहाँ पे है नहीं है वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा यहाँ पे है कम यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ मूवमेंट हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट
इन द सेल सैप इज हाई, जब कंसेंट्रेशन सॉल्यूट का सेल सैप में ज्यादा होगा तो बाहर से अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, पानी का मूवमेंट। डेफिशिएंसी विच द फॉलोइंग डज नॉट कॉज क्लोरोसिस, तो क्लोरोसिस अपने पास किससे किससे कमी से होता है, क्लोरोसिस की ट्रिक है नीतीश कुमार मनमोहन सिंह, नीतीश कुमार मनमोहन सिंह, फिर मेरी जेब मो, मो को जेब में को जेब मो बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कॉपर की वजह से क्या नहीं होता, क्लोरोसिस नहीं होता, डेट डिले ऑफ डेथ ऑफ टिश्यू नहीं होता। विच द फॉलोइंग कंडीशन आर मोस्ट फेवरेबल फॉर द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए सबसे क्या पूछा है फेवरेबल। तो देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि भाई इसको, ये भी खपाने वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर पहले बताना चाहिए तब ये सही होता है, नहीं तो ऐसा थोड़ा सा उल्टा नीचे होता है ना। तो यहाँ पे क्या है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कंडीशन क्या होगी, पहले बात तो एनएरोबिक कंडीशन है और लो लाइट इंटेंसिटी जो है ये इसके पास ही कैसे कटे से याद करना पड़ेगा, है ना, बार बार लिख लिख के याद कर लेना MTR, मुझे तो रटो। एनएरोबिक एंड लो, ओके लो लाइट इंटेंसिटी, ये पॉइंट ऐसे माना, इन्होंने आंसर ये तो क्वेश्चन आते हैं भाई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे दो तीन क्वेश्चन, क्योंकि एग्जामिनर भी चाहता है कि ऐसा क्वेश्चन आए और वो चेक करना चाहता है कि क्या सोच रहा है आदमी। एनएरोबिक एंड लो लाइट इंटेंसिटी, एनएरोबिक एंड लो लाइट इंटेंसिटी अपने पास साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए मोस्ट फेवरेबल कंडीशन होगा। एनएरोबिक मतलब ऑक्सीजन नहीं है, नो चांसेस, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके बाद। एनएरोबिक मतलब कोई भी ऑक्सीजन नहीं है तो नो चांसेस, किसके नो चांसेस हमने बोला है ना, थोड़ा समझ सकते हैं ऐसे फूड फूड फॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में। तो नो चांसेस ऑफ व्हाट, नो चांसेस ऑफ फोटो ऑक्सीडेशन, और लो लाइट इंटेंसिटी है तो नो चांसेस ऑफ H2O स्प्लिटिंग, एंड नो चांसेस ऑफ H2O स्प्लिटिंग, तो यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व होगा ही नहीं, ऑक्सीजन इवॉल्व होगा ही नहीं तो यहाँ पे फोटो एक्सप्रेशन होगा ही नहीं। तो हमने बोला कुछ ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, वैसी बात तो है कि फोटो एक्सप्रेशन होता ही नहीं है, और सॉरी फोटोलाइसिस होता भी नहीं है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन तो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास डी का क्या हो जाएगा आंसर, एनएरोबिक कंडीशन लो लाइट इंटेंसिटी में मोस्ट फेवरेबल कंडीशन होगी साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन के लिए। Which is the following is a four carbon compound, तो हमने पास ऑक्सलोएसिटिक एसिड क्या होगा, एक फोर कार्बन कंपाउंड होगा, ऑक्सलोएसिटिक एसिड इज अ फोर कार्बन कंपाउंड। ओके विच इज द फॉलोइंग PGR, विच इज द फॉलोइंग PGR वुड बी यूज्ड बाय द फार्मर इफ ही हैज टू, ओके इफ दे आर एक्स टू, देखो पहले तो बोला है इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, तो पार्थिनोकार्पी के लिए अपने पास क्या करेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ए इज मैच्ड विद ये क्या है ऑक्सीजन अपने पास, तो हमने पास आंसर क्या नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, बी और डी आंसर नहीं हो सकते, बी और डी आंसर नहीं हो सकते। हास्टेन फ्रूट राइपनिंग टमाटो एंड एप्पल, तो फ्रूट राइपनिंग और टमाटो एंड एप्पल में फ्रूट राइपनिंग कौन करेगा, ओके यहाँ पे अपने पास फ्रूट राइपनिंग का काम करता है इथालिन, जो कि इथोफोन की फॉर्म में आता है, तो अपने पास बी इज इथोफोन, तो दो ऑप्शन बी में इथोफोन दो दो में है ना। तो यहाँ पे सी क्या है, सी इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो, तो इथालिन जो होता है वो क्या करता है, इंड्यूस करता है फ्लावरिंग किसमें, मैंगो में, तो इथालिन क्या करता है, इंड्यूस करता है फ्लावरिंग इन मैंगो, इथालिन इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो, इथालिन क्या करेगा, इंड्यूस करेगा फ्लावरिंग इन मैंगो, तो अपने पास सी क्या जाएगा, इथालिन। और फिर क्या बोला है, फिर क्या बोला है अपने पास, इलांगेशन एंड इम्प्रूवमेंट, देखो इलांगेशन कौन कर रहा है अपने पास, इलांगेशन, ओके इलांगेशन एंड इम्प्रूवमेंट इज द शेप ऑफ द एप्पल, तो शेप ऑफ द एप्पल, देखो ये हमने बोला एप्पल की अगर इम्प्रूव करनी है शेप को, ओके तो क्या करो, जिबर्लिन का स्प्रे करो, जिबर्लिन का स्प्रे करो, सो अपने पास जो ई होगा वो क्या हो जाएगा, जिबर्लिक एसिड, नहीं इनी डी हो जाएगा, जिबर्लिक एसिड, और ई जो होगा प्रमोट न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन, सॉरी न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, तो न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन अपने पास किसका काम है, साइटोकाइनिन का, ये न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को हमने बोला रिचमंड लैंग इफेक्ट बोलते हैं, और ये न्यूट्रिएंट मोबिलाइज करके क्या करता है, डिले करता है सीनिसेंस को। ऑल वायरस कंटेन DNA, देखो हमने पास क्या बोला है एनसेडी ने कि दे कुड बी आई द DNA आर एन ए, यहाँ पे बोला है कि वायरस के पास DNA हो सकता है या फिर RNA हो सकता है, नो वायरस कंटेन बोथ DNA एंड RNA, ऐसा कोई वायरस नहीं जिसके पास दोनों हो DNA और RNA, ठीक है ना। ओके तो यहाँ पे बात ये कि देखो कंटेन ओनली DNA हो नहीं सकता, कंटेन ओनली RNA नहीं हो सकता, कि अपने पास हमने वायरस के पास बहुत सारे वैरायटी है, अपने पास किसी में सिंगल स्ट्रैंड RNA पाया था, किसी में डबल स्ट्रैंड RNA, दोनों पाए सकते हैं, DNA RNA दोनों पाया जाता है, लेकिन प्रोटीन जो होगा ना सारे वायरस के पास प्रोटीन होगा, क्योंकि न्यूक्लियो प्रोटीन है, ये क्या है न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, वायरस आर नथिंग बट दे आर न्यूक्लियो प्रोटीन, एंड लिखती है वायरस क्या होता है न्यूक्लियो प्रोटीन, इनके पास न्यूक्लिक एसिड होगा लेकिन वो DNA हो सकता है या फिर RNA हो सकता है, लेकिन प्रोटीन तो होना ही है ना। ओके तो यहां पे क्या हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके आर ससेप्टेबल टू लिपिड सॉल्वेंट, जो लिपिड सॉल्वेंट होते हैं वो कौन से वायरस, ऐसे वायरस जिनके पास जो कोट है वो एनवेलप्ड वायरस जो होते हैं ना वो लिपिड सॉल्वेंट होते हैं, एनवेलप्ड वायरस, ठीक है, तो हर वायरस एनवेलप्ड नहीं होते हैं।
ओके नेक्स्ट इज इन पाइनस मेल एंड फीमेल कौन, तो पाइनस क्या होता है मोनोइसियस, ओके पाइनस क्या होगा मोनोइसियस, ओके दे आर सेम ट्री में मेल और फीमेल कौन पाए जाएंगे, सेम ट्री में फीमेल और मेल कौन पाए जाएंगे बट डिफरेंट ब्रांचेस, ओके डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द सेम ट्री। फैसिलिटी डिफ्यूजन, देखो यहाँ पे फैसिलिटी डिफ्यूजन का एग्जांपल इन डायग्राम बढ़िया बनाया है, तो यहाँ पे एक प्रोटीन की जरूरत पड़ रही है, एक प्रोटीन की जरूरत पड़ रही है, यहाँ पे ये कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट के अलाउंग हो रहा है, अलाउंग द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट, अलाउंग द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट, तो हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है एटीपी, क्योंकि हाइड्रोलिसिस एटीपी तो एक्टिव रहेगा तो एटीपी नहीं होता, पैसिव होता है। स्पेसिफिक सब्सटेंस आर ट्रांसमिटेड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट, नहीं नहीं ये अलाउंग द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट जाता है तो गलत जाएगा ये वाला। मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड क्रिएट, नहीं नहीं मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड क्रिएट नहीं करते, अपने पास चैनल जो होता है प्रोटीन क्रिएट करता है, चैनल जो होता है प्रोटीन क्रिएट करते हैं तो ये गलत जाएगा अपने पास, तो फोर्स सही होना ही है। अब मेम्ब्रेन प्रोटीन बाइंड टू द स्पेसिफिक सॉल्यूट, ओके एंड देन अंडरगो कंफर्मेशन चेंजेस, मतलब ये उल्टा हो गया, कंफर्मेशन चेंजेस हो गए, तो यहां पे ऐसा हो गया, तो इसको क्या कर रिलीज कर दे इधर। When the number of chromosome is already reduced to half in the first reduction division of the meiosis, जब क्या हो गया क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया आधा हो गया, what is necessary of the second meiotic division, जब पहले ही division में क्या हो गया क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया तो फिर दूसरी बार में division करने की जरूरत क्यों है। अभी देखो अपने पास सेपरेट करना है ना replicate DNA को, ये replicate क्रोमोसोम क्या करना है सेपरेट करना, इसलिए ओके डिविजन इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट और टू सेग्रीगेट द replicate क्रोमोसोम, जो replicate क्रोमोसोम है जो कि कहाँ है इस फेज में replicate हुए थे उनको सेग्रीगेट करने के लिए क्या होता है मियोसिस टू होता है, क्या होता है मियोसिस टू, इनको क्या करने के लिए सेग्रीगेट करने के लिए, इनको सेग्रीगेट करने के लिए क्या हुआ मियोसिस टू हुआ। विच द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ओके नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैबेसी, फैबेसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा नहीं है, कोरोला फाइव पेटल गैमोपेटलस नहीं होता, ये गैमोपेटलस नहीं होता, ये क्या होते हैं ये पॉलीपेटलस, मतलब फ्यूज नहीं होता, यहाँ पे फ्री होते हैं सारे पेटल्स है ना, तो यहाँ पे क्या होंगे अपने पास ये गैमोपेटलस नहीं होते, ये पॉलीपेटलस होते हैं, अपने पास एसपी होता है स्टैंडर्ड जो होगा वो पोस्टीरियर होगा, सोनू पटेल से याद रखना, सोनू पटेल से याद रखना, स्टैंडर्ड जो होता है वो क्या होता है पोस्टीरियर होता है, तो यहाँ पे नॉट कैरेक्टरिस्टिक पूछा है ना, तो यहाँ पे गैमोपेटलस कंडीशन नहीं देखने को मिलती, यहाँ पे गैमोपेटलस कंडीशन देखने को मिलती, यहाँ पे पॉलीपेटलस कंडीशन देखने को मिलती, तो ये पहला स्टेटमेंट होगा सबसे सही हो जाएगा ये। और ये इंपॉर्टेंट ये कि यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे मैनी ओव्यूल्स, इंपॉर्टेंट ये भी है, यहाँ पे क्या पाया जाता है मोनोकापिलरी ओवरी, मोनोकापिलरी गाइनोसियम विद यूनिलॉक्युलर मैनी ओव्यूल्स, यहाँ पे यूनिलॉक्युलर क्या होते हैं अपने पास यूनिलॉक्युलर होते हैं मैनी ओव्यूल्स, यूनिलॉक्युलर मैनी ओव्यूल्स पाया जाएगा, यूनिलॉक्युलर विद मैनी ओव्यूल्स कौन कौन गाइनोसियम, तो यहाँ पे पहला वाला था रिक्वायर्ड आंसर जाएगा पहला वाला। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द वुडी डाइकॉट स्टेम विच सो एक्सटेंसिव सेकेंडरी ग्रोथ, जिसमें एक्सटेंसिव सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगा उसमें इंसर्टेन लिखा है साफ साफ कि अपने पास जो पहले तो कैम्बियम जनरली मोर एक्टिव होगा इनर साइड में एक्टिव होता है, ओके एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम ज्यादा होगा, सेकेंडरी जाइलम ज्यादा होगा द सेकेंडरी प्रोएम एंड सून फॉर्म्ड कम्पैक्ट मास, ये क्या बना लेगा कम्पैक्ट मास बना लेगा, ओके और द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी फ्रेम ग्रेजुअली क्या हो जाएंगे क्रस्ट, जो प्राइमरी और सेकेंडरी फ्रेम ग्रेजुअली क्या हो जाएंगे क्रस्ट हो जाएंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्रेम ग्रेजुअली क्या हो जाएंगे क्रस्ट हो जाएंगे, ठीक है ना ओके तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा अपने पास भी तो सही है प्राइमरी जाइलम पर्सिस्ट इन द सेंटर, बिल्कुल सी ये भी एनसीडी ने बोला है जो प्राइमरी जाइलम में पर्सिस्ट करता है मोर और लेस इंटैक्ट इन द सेंटर, बिल्कुल सही यही लाइनें तो है। और सेकेंडरी जाइलम फ्रॉम द बल्क ऑफ द स्टेम, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा मेन जो होगा ना सेकेंडरी जाइलम जो होगा वो मेन बल्क बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वुड है वो मेन क्या है सेकेंडरी जाइलम ही है और एक्टिविटी अंदर की तरफ ज्यादा है वैस्कुलर कैम्बियम की, तो अपने पास डी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। वन हार्मोन हेल्प इन पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट, ओके डीप वाटर राइस प्लांट में हमने बोला कौन सा हार्मोन, डीप वाटर राइस प्लांट हमने बोला आर आर पी पी सी, इथाइलिन के लिए आर आर पी पी सी बोलते हैं, आर आर पी पी सी मतलब अपने पास हो गया ना रूट की बात करें अपने पास है ना रूट हेयर की बात करें या फिर राइस की बात करें या फिर पोटेटो की बात करें या फिर ओके कोकोनट की बात करें, तो अपने पास आंसर क्या जाएगा अपने पास आंसर क्या जाएगा आंसर अपने पास है ना इथाइलिन जाएगा, ओके तो यहाँ पे इथाइलिन हो जाएगा अपने पास। उसके बाद बोला है ओके स्टोमेट क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा ओपनिंग क्लोजिंग कौन करेगा क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग को रेगुलेट करने वाला अपने पास एब्सिसिक एसिड एबीए है, इथाइलिन जीवलिक एसिड एंड एबीए, जीवलिक एसिड एंड एबीए। डेसिमिलिटरी पावर फॉर्म्ड इन द लाइट रिएक्शन इज एनएडीपी एंड एनएडीपीएच, ये फोटोसिंथेसिस में होता है इसलिए फोटोसिंथेसिस में क्या जाएगा फोटोसिंथेसिस पी आता है और रेस्पिरेशन जब पढ़ते हैं तो एनएडीएच आता है एनएडीएच आता है, फोटो रेस्पिरेशन में फोटोसिंथेसिस में पी आएगा और रेस्पिरेशन में एनएडीएच आएगा, तो आंसर क्या जाएगा बी वाला। द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द
किंगडम प्रोटिस्टा आर यूनिसेलर यूनिक्लिएटेड। यस, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, ये यूनिसेलर यूनिक्लिएटेड होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। ओके, और यहाँ पे ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, तो अपने पास ये एन बी इज करेक्ट, एन बी ए सॉरी एन सी इज करेक्ट। सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयरिंग। माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे पहले सांस भी कभी बहुत थी, उसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया भी कभी बैक्टीरिया था, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्टोमा साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, यस बिल्कुल सही है। सेंट्रियोल में 9+2 अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलता, सेंट्रियोल में तो अपने पास 9+0 अरेंजमेंट देखने को मिलता है, 9 ट्रिपलेट होंगे और 0 में सिंगलेट होंगे, 9 ट्रिपलेट होंगे पेरिफेरी में और 0 में क्या होंगे, सिंगलेट होंगे, 0 में क्या होंगे, सिंगलेट होंगे, 0 में क्या होंगे, सिंगलेट। और एक्सोनिम जो होगा कोर ऑफ यूकेरियोटिक फ्लैजिला, एक्सोनिम जो होता है क्या होता है, इट इज द कोर ऑफ यूकेरियोटिक फ्लैजिला, ये किसका फ्लैजिला है, यूकेरियोटिक फ्लैजिला का जो कोर होगा वो एक्सोनिम कहलाएगा, तो ये सही हो जाएगा, अपने पास सी वाला गलत हो जाएगा, इनका ठीक है सी वाला, इसलिए गलत हो जाएगा। ओके, यहाँ पे सेंट्रल शीथ है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है, ये इंटरडब्लेट रिंग है, ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, रेडियल स्पोक्स हैं। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म दैट डिवाइड बाय फिजन, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म दैट डिवाइड बाय फिजन आर, तो हमने पास जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो डिवाइड करते हैं फिजन से वो बैक्टीरिया है, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म दैट डिवाइड बाय फिजन आर बैक्टीरिया, ये देखो बैक्टीरिया जो हो रहा है क्या कर रहा है, फिजन कर रहा है ना, तो यहाँ पे ये फिजन से बैक्टीरिया। फंजाई में सी पर सी ईस्ट जो होता है वो सॉरी फिजन छोड़ो, वो बडिंग शो करता है ईस्ट। ओके, तो सी पर सी बाइनरी फिजन से डिवाइड करेंगे बैक्टीरिया ओनली। विच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ, ओके सिंगल लेयर ऑफ, ओके यहाँ पे छोड़ गया। ओके, इन डैश द लीव बेस एक्सपांड इनटू शीट 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 कवरिंग द स्टेम पार्शियली और वोली, तो मोनोकॉट्स में, किसमें, मोनोकॉट्स में अपने को शीथिंग लीव बेस देखने को मिलेगा, शीथिंग लीव बेस कहाँ पे देखने को मिलेगा, मोनोकॉट्स में, और सोलन लीव बेस लिग्यूम प्लांट में, सोलन लिगेस जिसको हम पल्विनस लीव बेस बोलते हैं लेग्यूम्स में देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट मेड ऑफ सिंगल लेयर फ्लैटन सेल, तो यहाँ पे जो स्किन है ना, स्किन जो है ना वो किसका एग्जांपल है, कंपाउंड एपिथेलियम, और कंपाउंड एपिथेलियम में क्या पाए जाएंगे, मल्टी लेयर सेल्स। ओके, तो यहाँ पे किसके एग्जांपल नहीं होंगे, सिंगल लेयर का एग्जांपल नहीं होंगे। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोलुला इज करेक्ट, तो मोलुला जो होता है वो 8-16 ब्लास्टोमेर स्टेज होता है, और अपने बोला कि देखो मोलुला जो बना है वो कहाँ से बना है, क्लीवेज से बना है, मोलुला कैसे बना है, क्लीवेज से, और क्लीवेज अपने पास, क्लीवेज और अपने पास नॉर्मल माइटोसिस में डिफरेंस जो होता है वो क्लीवेज को होता है अपने पास क्लोज माइटोसिस, तो यहाँ पे क्या होगा, अपने पास जो देखो यहाँ पे एस फेज होता है सी पर सी, यहाँ पे कोई भी इंटरफेस और जो इंटरफेस में G1 और G2 नहीं पाए जाते, तो यहाँ पे DNA तो बनेगा, DNA ज़्यादा होगा लेकिन ऑलमोस्ट द इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लास्ट, साइटोप्लास्ट जो अपने पास होगा वो क्या होगा, सेम होगा जितना किसमें था, मोलुला में देखोगे कि जितना साइटोप्लास्ट यहाँ है उतना साइटोप्लास्ट कहाँ है, यहाँ है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, डिवाइजन क्या होता है, साइटोप्लास्ट का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, जितना साइटोप्लास्ट यहाँ है उतना साइटोप्लास्ट टोटल मिला के मोलुला में भी है, मैं एक साल की बात नहीं कर रहा, टोटल मोलुला की बात कर रहे हैं इसलिए। ओके, एंड द नेक्स्ट इज म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रोब एंटरिंग आवर बॉडी, दिस कोटिंग बिलोंग टू विच बैरियर, इट इज अ फिजिकल बैरियर, ये सब क्या हो जाएंगे, फिजिकल बैरियर हो जाएंगे। ओके, कॉन्ड्रोकाइसिस दैट इज कार्टिलेजिनस फिश आर्किट्राइज बाय दे हैव वेंट्रल माउथ, इनके माउथ कैसा होगा, वेंट्रल होगा, और इनके पास प्लेकॉइड स्केल पाई जाती है, क्या पाई जाती है, प्लेकॉइड स्केल एंड मेटल बाउट। A man is admitted to a hospital and is found to be suffering from abnormally low body temperature, low appetite, loss of appetite, भूख मर चुकी है, an extreme thirst, okay? His brain scan would probably show a tumor in hypothalamus, क्योंकि hypothalamus काम नहीं कर रहा ठीक से, क्योंकि hypothalamus का काम है temperature को regulate करना, urge of eating, that is appetite को regulate करना, और drinking को regulate करना, यहाँ पर यह regulate नहीं हो पाया इसलिए, तो hypothalamus में शायद क्या हो गया, tumor हो गया होगा, hypothalamus में tumor हो गया होगा। The hormone which suppresses the immune system is produced by the हो, अपने पास कॉर्टिसोल जो होता है ना, वो कॉर्टिसोल क्या करता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, इम्यून सिस्टम को कॉर्टिसोल है ना, और कॉर्टिसोल जो होगा वो कहाँ से रिलीज होगा, कॉर्टिसोल सप्रेसेस द इम्यून सिस्टम, इट इज रिलीज फ्रॉम द जोना ग्लोमेरुलोसा, बाहर में सबसे बाहर में GFR, दैट इज जोना ग्लोमेरुलोसा, देन जोना फेसिकुलेटा, जोना फेसिकुलेटा क्या निकालेगी, जोना फेसिकुलेटा जो कि मिडिल लेयर है वो अपने पास क्या निकालेगी, अपने पास ये कॉर्टिसोल, तो जोना फेसिकुलेटा से क्या निकलेगा, कॉर्टिसोल निकलेगा। इमूवेबल जॉइंट, तो सूचर्स जो होते हैं वो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, जो कि किससे बने होते हैं, डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं, डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं, इनको इमूवेबल जॉइंट भी बोलते हैं, इमूवेबल जॉइंट, ये मूव करते ही नहीं है।
विच द फॉलोइंग कैन बी इंड्यूस अंडर नॉर्मल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, सॉरी सॉरी इंक्लूड बोला है, इंड्यूस नहीं बोला, इंक्लूड बोला है, इंक्लूड 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 अंडर नॉर्मल, ओके अंडर नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो यहाँ पे बर्थ कंट्रोल मतलब कॉन्ट्रासेप्शन, तो रिथम मेथड बिल्कुल सही है, कोइटस इंटरप्टस बिल्कुल सही है, लैक्टेशनल इम्यूनोरिया बिल्कुल सही है, सब नेचुरल मेथड है, इनको हम अपने आप से इस्तेमाल, नेचुरल मेथड है बिल्कुल बिना कुछ चीज़ों के इस्तेमाल किए। ओके रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ब्लड हीम ब्लड इज कम्पोज ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमेटोसाइट, बिल्कुल सॉरी हीमोसाइट बिल्कुल सही है, ब्लड इज कम्पोज ऑफ कलरलेस प्लाज्मा, यहाँ पे प्लाज्मा कैसा होगा, कलरलेस होगा, और हीमोसाइट्स पाए जाते हैं दैट इज ब्लड सेल्स। ओके हार्ट ऑफ द कॉकरोच, ये बिल्कुल सही है, हमको इनकर बताना है, हार्ट द कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलांगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइंग अलॉन्ग द मिड वेंट्रल, नहीं डॉर्सल, हमारे अंदर हार्ट कैसा होता है ह्यूमन के अंदर, कॉर्डा के अंदर होता है, लेकिन ये तो डॉर्सल है, क्योंकि क्या होगा नॉन कॉर्डेट, यहाँ पे डॉर्सल हार्ट पाया तो ये गलत जगह, अपने पास रिक्वायर्ड आंसर यही होगा। एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म इज डिराइव फ्रॉम, तो अपने पास बोला एक्रोसोम में क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, एक्रोसोम में क्या होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं लाइसोसोम्स में, और लाइसोसोम्स बोले तो यहाँ पे लाइसोसोम बोल सकते हैं इसको स्पर्म्स का, तो यहाँ पे इसको सीक्रेट कौन करता है, गोल्जी बॉडी। आइडेंटिफाई द रॉन्ग मैच पेयर विडाल टेस्ट, ओके टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट करते हैं क्या, बिल्कुल करते हैं, टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट करते हैं, प्लेग वायरल डिसीज नहीं होता, ये एक बैक्टीरियल डिसीज होगी, यर्सिनिया पेस्टिस नाम का एक बैक्टीरिया कस करता है, तो ये गत जाएगा, मैलिग्नेंट मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम जायस बिल्कुल सही है, कोल्ड ब्लडेड, ओके सॉरी कोल्ड ब्लडेड नहीं बोला, कॉमन कोल्ड ब्लड है, कॉमन कोल्ड राइनोवायरस से होता है, बिल्कुल सही है, अपने पास बी होगा, गत जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम एनिलिडा इज द प्रेजेंस ऑफ नेफ्रिडिया, जो कि एक्सक्रीशन में काम आते हैं। Which the following help in transmission of impulse across the synapse? तो synapse के across impulse का transmission दो चीज़ होती है, एक तो होता है elongation, elongation में nerve fiber में elongation के लिए अपने पास responsible जो ends होंगे वो Na plus होंगे और K plus होंगे, लेकिन अपने पास अगर transmission करना है post synaptic membrane से presynaptic membrane से post synaptic membrane, तो calcium काम आएगा, आएगा। हार्मोन विद द सीट ऑफ एक्टिविटी इन लीवर कन्वर्टिंग ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन इन प्रोड्यूस, ओके हार्मोन विद द सीट ऑफ एक्टिविटी इन लीवर कन्वर्टिंग ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन इज प्रोड्यूस बाय, तो इंसुलिन की बात कर रहा है, इंसुलिन क्या करता है, सेल ग्लूकोज अपने को बढ़ा देता है, ये बोलता है सेल को अरे सेल जल्दी जल्दी ग्लूकोज ले लो और इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दो, तो ये इंसुलिन कहाँ से निकलेगा, पैनक्रियाज से निकलेगा, अल्फा से ग्लूकागॉन, बीटा से इंसुलिन, डेल्टा से सोमैटोस्टैटिन। ओके ओके हमको पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आइडेंटिफाई लेबल्ड ए ई इन द फॉलो, ओके लेबल्ड ए के आइडेंटिफाई लेबल ए ई इन द फ्लो चार्ट गिवन बिलो, ओके ओके बिल्कुल सही है, तो अपने पास क्या हो जाएगा एलएच क्या आएगा अपने पास, है ना, पहले तो क्या होगा जीएनआरएच जो होता है वो कहाँ पे एक्ट करता है, जीएनआरएच एक्ट ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी एक्ट करेगा तो ये हो जाएगा अपने पास एंटीरियर पिट्यूटरी, आंसर क्या नहीं होगा, ये नहीं होगा। अच्छा उसके बाद अपने पास क्या हो गया एलएच हो गया, एलएच कहाँ जाएगा, एलएच अपने पास रेड सेल में जाएगा, ओके तो बी क्या हो जाएगा लिडिक सेल, बी लिडिक सेल हो जाएगा, तो अपने पास लिडिक सेल यहाँ पे दो ऑप्शंस में है, अपने पास ये सेटुलेसेस नहीं होगा, और उसके बाद अपने पास एफएसएच कहाँ जाएगा, सेटुलेसेस सेल में जाएगा, एफएसएच सेटुलेसेस सेल में चला गया, एफएसएच सेटुलेसेस सेल में चला गया, उसके बाद अपने पास क्या है कि एंड्रोजन जो होते हैं मेन एंड्रोजन, अपने पास टेस्टोस्टेरोन होगा, और टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा, टेस्टोस्टेरोन जो होता है मेन एंड्रोजन व्हिच स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, ये एंड्रोजन होगा वो स्टिमुलेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस को, और हमने पास आंसर लिखती है एफएसएच एक्ट ऑन सम सेटुलेसेस सेल, और ये सेटुलेसेस सेल क्या निकालते हैं, पीछे पलटाते हैं पेज को, सेटुलेसेस सेल स्टिमुलेट एंड सीक्रेट सम फैक्टर दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस दैट इज द फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है ओके एट द न्यू प्लेस अ पर्सन सडनली स्टार्ट स्नीजिंग एंड वीजिंग, ओके द स्टेटमेंट करेक्टली कोरिलेट्स दिस कंडीशन इज, ओके ये एलर्जी की बात कर रहा है, एलर्जी इंसिडेंट दिखाई, इट इज एन एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, ये बिल्कुल सही है। सिम्टम्स ओके सिम्टम्स आर वाटरी आई एंड रनिंग नोज, ये एसेंशियल लिखती है, इसके जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स क्या होंगे, यहाँ पे ये अपने पास ये हो जाएंगे वाटरी आई एंड रनिंग नोज सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, ये बिल्कुल सही है। इट इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ यहाँ पे रिलीज किसका होता है, यहाँ पे हिस्टामिन और सेरोटोनिन का रिलीज होता है, ना ही कि हमने बताया एड्रेनालिन स्टेरॉइड और हिस्टामिन को, ठीक है, तो ये गलत जाएगा, यहाँ पे क्या रिलीज होते हैं, हिस्टामिन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं मास सेल से, दैट इज बेसोफिल से, तो ये गलत जाएगा थर्ड वाला। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस, ओके कौन सी एंटीबॉडी बनी जाती है, यहाँ पे आईजीई बनती है, बिल्कुल सही है, तो अपने पास 1, 2 and 4 इज करेक्ट, एंड वी हैव 1, 2 and 4, दिस इज द करेक्ट आंसर, 1, 2 and 4 इज करेक्ट, 3 इज इनकरेक्ट।
फाइंड आउट द करेक्ट मैच, फाइंड आउट द करेक्ट मैच। थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड डिक्रीज नहीं करता, इंक्रीज करता है। ओके ओके, अल्फा से ग्लूकागन बीटा से इंसुलिन निकलता, अल्फा से निकलता ग्लूकागन, उसके बाद कैल्सिटोनिन कहाँ से निकलेगा, थायराइड ग्लैंड से निकलेगा, और यह क्या करता है, डिक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, नहीं ब्लड कैल्शियम लेवल को कौन डिक्रीज करता है, कैल्सिटोनिन, बढ़ाएगा कौन, पैराथायरॉइड। ओके तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होते हैं एड्रेनल से निकलते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं, तो बी हो जाएगा, सी हो जाएगा सही। मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री वर्टिब्री इन ह्यूमन आर फाउंड इन सर्वाइकल रीजन में, जो अपने पास देखो सर्वाइकल होते हैं 5, थोरेसिक होते हैं 12, सर्वाइकल थोरेसिक लंबर होते हैं, सर्वाइकल होते हैं 7, सॉरी हर मेमर्स में सर्वाइकल कितना होता है, 7 होता है, सर्वाइकल कितना होता है, 7 होता है। सर्वाइकल हो गया, थोरेसिक हो गया, लंबर हो गया 5 हो गया, सैक्रल हो गया 1 हो जाता है, फ्यूज सब फ्यूज रहते हैं। ओके तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री वर्टिब्री कहाँ पाए जाएंगे, थोरेसिक रीजन में, यहाँ पे जो वर्टिब्री है वो सारे फ्री होते हैं और थोरेसिक में 12 पाए जाते हैं फ्री वर्टिब्री, तो यहाँ पे हो जाएगा। विच द फॉलोइंग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी is not included under the test tube baby program, तो test tube baby program में कौन सा चीज नहीं आता, देखो test tube baby program में अपने पास in vitro fertilization देखने को मिलेगा, okay, और यहाँ पे zygote intrafallopian transfer देखने को मिलेगा, और यहाँ पे intrauterine transfer देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे gamete intrafallopian transfer तो अपने पास in vitro में नहीं हो, मतलब यहाँ पे test tube baby program में नहीं होता। इन टी सी ए साइकिल जी टी पी इज फॉर्म ड्यूरिंग विच ऑफ दिस रिएक्शन, तो सिट्रिक एसिड साइकिल में अपने पास सक्सिनाइल को एंजाइम में जब सिट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो अपने पास जी टी पी का फॉर्मेशन हो जाएगा, सक्सिनाइल को एंजाइम में जब सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो जी टी पी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओके इथाइलिन काम आता है, जिबरेलिन काम है, जल्दी में गलती हो गया, तो इलांगेशन जो पेटिल का करता है आरआरपीपीसी किसके लिए है, आरआरपीपीसी किसके लिए है, ये इथाइलिन के लिए है, आंसर क्या हो जाएगा बी, गलती गलती में यह होगा टिक, ओके तो ये आंसर जैसे बी हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। Quantum, quantum.